अगर स्कैनिंग के दौरान आपकी कार में P0301 इनसे रिलेटेड कोई भी कोड आता है तो ये वीडियो आप जरूर पूरा देखिए। हाय फ्रेंड्स, मैं मयूर मोटर्स बायर। आज मेरे पास आई है मारुति फ्रंटी 800 जो MPFI कार है, करीबन 2010 के आसपास मॉडल है। CNG और पेट्रोल गाड़ी स्टार्ट है, कंप्लीट है, लेकिन गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम यह है फ्रेंड्स कि गाड़ी जब भी चलाते हैं तो थर्ड और फोर्थ गियर में जर्किंग लेती है गाड़ी, चाहिए इतना पिकअप नहीं है और झटके मारती है गाड़ी। तो मैं ट्रायल लेके आया हूँ फ्रेंड्स और मैंने चेक भी किया तो मेरे को जो दिखाई दिया मैं आपको बता दूँ कि क्या प्रॉब्लम है मैं, और नॉर्मली सभी गाड़ियों में ऐसा होता ही है। तो करते हैं गाड़ी स्टार्ट एक बार। तो गाड़ी स्टार्ट है फ्रेंड्स, एकदम स्टार्ट है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा हंटिंग है, शायद दिखाई दे आपको कैमरे में इंजन हिलता हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वायर, हल्का सा इंजन वाइब्रेशन है और पिकअप तो थोड़ा कम है और झटके ज्यादा लगाती है गाड़ी। तो मैंने जो देखा है वो आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो गाड़ी के अंदर फ्रेंड्स दिखाई दे आपको, तो यहाँ पे प्लग वायर शॉर्ट है, आप देख सकते हो एयर क्लीनर, तो आपको मैं दिखाने की ट्राई करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? तो देखिए वो प्लग वायर एयर क्लीनर का क्लैंप को छू रहा है और वहीं से स्पार्किंग होता है। तो क्या है ना, एक नंबर का पिस्टन काम नहीं कर रहा है, दो पिस्टन पे गाड़ी चलती है। देखिए फिर से तो फ्रेंड्स यही प्रॉब्लम है मारुति कार में जो पिकअप का। तो मैं उसको न्यू प्लग वायर डालूंगा या तो फिर उसको, अभी तो कोरोना की वजह से मार्केट बंद है तो वायर टेप लगा दूंगा। आपकी गाड़ी में भी ऐसा हो तो आप ये कर सकते हो। और ज़्यादातर गाड़ी के अंदर हम बोलते हैं ना कि CNG कार थी जल गई, तो आई थिंक भगवान न करे, लेकिन ऐसा होता है कभी गाड़ी में कि यहाँ से स्पार्किंग होता है और वहीं से भी गैस भी जाता है। आप देख सकते हो कि CNG का गैस का पाइप यहीं से ही लगा हुआ है, ये CNG का वेपोराइजर है, ये पाइप सीधा यहीं से लगा हुआ है और यहीं पार्किंग हो रहा है। तो इसी वजह से कई गाड़ियों के अंदर प्रॉब्लम भी ऐसे आते हैं फ्रेंड्स। बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन भी लेना जरूरी है। फ्रेंड्स यहाँ से वायर कट गया है, आप देख सकते हो इस जगह के छूके, जब इंजन वाइब्रेशन होता है तो ये छूके ऐसा कट गया है वायर, तो यहीं से करंट लीकेज हो जाता था तो स्पार्किंग होता था। तो ये नंबर का पिस्टन है, शायद तीसरे नंबर का पिस्टन काम नहीं करता है, ये वाला। तो दो पिस्टन पे गाड़ी चलती थी, इसीलिए अब मैं यहाँ पे कोरोना के वजह से मार्केट नहीं तो मैं वायर टेप लगा दूंगा यहाँ पे। फ्रेंड्स हमने वायर टेप लगा लिया है यहाँ पे और यहीं से तार को थोड़ा दूर भी कर लिया है, वायर को, प्लग वायर को, डिस्ट्रीब्यूटर जो लगा हुआ है वो क्लैंप से थोड़ा गैप बढ़ा दिया है हमने, यहीं पे खींच लिया है। और गाड़ी का रेस आप देख सकते हो एकदम बिल्कुल है, थोड़ा सा भी हंटिंग नहीं है और एकदम पावर में है। पहले थोड़ा ड्रॉप करती थी, अब गाड़ी एकदम परफेक्ट है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मयूर मोटर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।